कलेक्शन एजेंट से हथियारों के बल पर लूट। गाजियाबाद थाना टीला मोड़ क्षेत्र के गरिमा गार्डन में महिलाओं से पैसे कलेक्शन करने वाले कलेक्शन एजेंट से बदमाशों द्वारा हथियारों के बल पर लूट का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार पंकज नामक व्यक्ति उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए घर घर जाकर पैसे कलेक्शन करने का काम करता था। गुरुवार को पवन गरिमा गार्डन में कलेक्शन करने के लिए आया था। इसी दौरान हेलमेट लगाए बाइक सवार दो बदमाशों ने तमंचे के बल पर बैग लूट कर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस समय बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया उस समय उनके बैग में कलेक्शन का लगभग 1,20,000 रुपए थे। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। का नाम क्या है, यहाँ क्या घटना हुई थी और कितने लोग थे और क्या बात थी? यहाँ पे दो तीन जने थे, वो सरजी आए थे, वो मतलब कि उसको आन के खड़े हुए थे, इतने बोलने लगे कि दीदी कहाँ होगी मीटिंग, मैं सामने होती थी मीटिंग। फिर उन्होंने कहा नुका था आप कहाँ हुई, मन की बात पूछ लो, पता नहीं कहाँ हुई, जहाँ दिल करे वहाँ भेज जाए। बस इतने दो आदमी आए कट्टा रख कर भैया। कितने रुपये लूटे? 1,00,000 से ऊपर बता रहे हैं, 1,19,000 सबको पुलिस वाला मुझे। अब मौके पर यहाँ से पुलिस कितनी देर में आई थी? आधी होगी, आधे घंटे बाद आई थी, आधे घंटे, क्योंकि वो 100 नंबर पे मिला लेते, वो 100 नंबर मिलता नहीं था, पता नहीं 12 जन कितना मिलता है। अब तो वो उन्होंने फिर किसी ने बताया, वो लगाया हमने बिचारे ने सर ने, जब वो आई थी पुलिस।